बास भाई भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए हैं, और यहाँ पे मस्जिद के बाहर भी रोड तकरीबन सारे फुल हो चुके हैं। यहाँ पे हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद की नमाज़ पढ़ ली गई है और सब दोस्त एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं। ये जी माशाल्लाह, गोश्त हमारा तैयार होने लगा है। फजर की नमाज़ पढ़ के आए हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले ही गोश्त जो है वो तैयार है। ठीक है, रात को तैयार कर ली थी और नमाज़ पढ़ के सारा कुछ खा पी के सो जाएंगे। ये जनाब खीर हमें मिल गई है, ये देखें जनाब, ज़बरदस्त खीर बनी है। क्या बात है, फहद भाई जो है वो खीर खा रहे हैं। अभी हम खीर खा के तो फिर हम जाएंगे फजर की नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। गोश्त हमारा जो है वो बन रहा है और यहाँ पे बाकी सारे जो है वो सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये जो जनाब हमारा ईद का ड्रेस है, ये सबको ईद मुबारक, ईद अल मुबारक हो सबको। आप सबको जनाब हमारी तरफ से ईद अल फितर मुबारक जी। उस्मान भाई ये देखें जी, ये उस्मान भाई का ड्रेस वाइट कलर, ये फहद भाई ऑफ वाइट, और ये मेरा सी ग्रीन। माशाल्लाह जी, अभी हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे 6 बजे हैं अभी सुबह के, और तकरीबन 6:30 बजे ईद की नमाज़ होगी। सजाद भाई और आमर भाई तैयार होके आ गए हैं, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, और अभी हम सारे इकट्ठे होके नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। ये जी माशाल्लाह राना आमर साहब, जो पाकिस्तान से स्पेशल सूट भेजा है हमारी भाभी ने, वो वाला सूट पहना हुआ है, चप्पल भी वही पहनी हुई है, और स्माइल चेक करें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। अभी हम माशाल्लाह जी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सब ने अपने अपने मसल्ले उठाए हुए हैं क्योंकि मस्जिद में जगह जो है ना वो नहीं मिलेगी। मसल्ले हमारे पास अपने हैं क्योंकि मस्जिद में जगह जो है ना वो बहुत मुश्किल मिलती है, और हम थोड़े लेट हो गए हैं। माशाल्लाह मस्जिद फुल हो गई है और लोग रोड पे मसल्ले बिछा के रोड पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ईद की नमाज के लिए ये रोड के ऊपर नमाज हो रही है माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह, शबाज़ भाई भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए हैं, और यहाँ पे मस्जिद के बाहर भी रोड तकरीबन सारे फुल हो चुके हैं। यहाँ पे हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद की नमाज़ पढ़ ली गई है और सब दोस्त एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं माशाल्लाह। मिलो मिलो भाई, माशाल्लाह जी, ये सब भाई ईद मिल रहे हैं एक दूसरे से माशाल्लाह। ईद की नमाज पढ़ के और रोटियां वगैरह लेके हम जा रहे हैं जी अपने रूम में, और इंशाल्लाह जाके लंगर जो है ना वो खींचते हैं। ये पानी साथ और ये रोटियां और अपने अपने मसाले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर हम आ गए हैं और ईद का लंगर शुरू हो चुका है। राना आमिर साहब ईद की नमाज से पहले ही मटन कढ़ाई तैयार करके चले गए थे, और अभी सुफरा हमारा लग चुका है, अभी हम अपना लंगर इंजॉय करते हैं माशाल्लाह जी। ये देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मुख्तलफ है कि पाकिस्तान में तकरीबन खाना मिलता था दोपहर के 1-2 बजे, और यहाँ हम पहले ही रेडी करके चले गए थे जी। अभी हम उठे हैं, तकरीबन 3 बज गए हैं, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी प्लान बना है दूसरी रहाइश पे जाने लगे हैं। चक में आना मेरा राना खलील साहब है, दोस्त हैं, उनके पास जा रहे हैं मिलने, तो इंशाल्लाह जी चलते हैं फिर। ये देखें जी, ईद है और गलियाँ सुनसान है क्योंकि गर्मी बहुत है।
और इस गर्मी में कोई भी बाहर नहीं निकलता, शाम को निकलेंगे लोग। लेकिन फिर भी हमारा कजन टैक्सी लेके ना काम पे गया हुआ है, उसको बोला है कि नहीं जाओ बाहर, धूप बहुत है, खज्जल खराब हो गए, और वो नहीं माना किसी की बात। और हमारे रूम में तीन जो लोग हैं वो गए हैं काम पे। मैं काम पे चला था ते मेनू खीर नहीं मैं खानी ते मेनू नींद आ जानी है, मैं काम पे चला था अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी, राणा साहब के पास आए थे और अली भाई ने और राणा साहब और ने जनाब पूरा प्रोटोकॉल दिता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम वापस जा रहे हैं। स्नेहन भाई ने बिरयानी बनाई है पूरी जबरदस्त, माशाल्लाह जी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह। अच्छा जी, अपने दोस्तों से मिलने के बाद हम आ गए अपने रूम में वापस, और बाकी सारे जो है वो चले गए हैं कामों पे। ठीक है जी, सारे जो है वो अपने अपने कामों पे गए हुए हैं, और फहद भाई जो है ना वो नींदें खींच रहे हैं अपनी। अच्छा जी, पाकिस्तान में भी यही मसले थे कि सारा दिन सोए रहते थे, और यहाँ भी प्रदेश में भी सारा दिन सो के निकालते हैं, तो इसलिए कोई डिफरेंस तो नहीं है फहद भाई? क्या है डिफरेंस? अच्छा, आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है? जिन बंदों ने घर वाले नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, गोश्त बना हुआ है, खीर बनी हुई है, और बस जो घर वाले डाल के देते थे, प्रोटोकॉल देते थे, वो वाला नहीं है, बस बाकी सारा सिस्टम है। तो आप लोगों के पास, अगर आप अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं और घर वालों के साथ हैं, आप खुशकिस्मत हैं, अपने घर वालों को टाइम दें, मोहब्बत दें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां बांटें। तो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो हमारी यही थी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।